सेफ वुमेन्स चैंपियनशिप 2024 और इसके अंदर नेपाल की ये जो रात वाली जीत है वो ऐतिहासिक जीत है। ना केवल नेपाल की दृष्टि से हम कह सकते इसे, बल्कि पूरे वर्ल्ड की दृष्टि से ये ऐतिहासिक जीत है, ऐसा कहना बिल्कुल भी अनुचित नहीं होगा। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से प्लेयर ने कितना कितना अच्छा योगदान दिया और एक अनबिलीवेबल यहाँ पे मैच जीत के दिखाया। एक तरफा तो था लेकिन इतना ज़्यादा कि आप सोच सकते हैं जितने क्रिकेट के अंदर विकेट नहीं गिरते उतने तो गोल लगा दिए। एक मैच के अंदर इतने गोल लगना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और क्या इससे पहले इतने बड़े गोल के मार्जिन से जीता है कोई, वो भी बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नेपाल की सेफ महिला प्रतियोगिता में ये तीसरी सबसे बड़ी जीत है और कुल मिलाकर चौथी कह सकते हैं। उन्होंने 2010 में बांग्लादेश की महिला सेफ महिला चैंपियनशिप ग्रुप के दौरान अफगानिस्तान को 13-0 से हराया था और पाकिस्तान को 12-0 से हराया था। प्रतियोगिता में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड भारत के नाम है। 2010 में संस्करण के अंदर भूटान को 18-0 से हराकर ये इतिहास रचा था, यानी कि आज तक सबसे बड़ी जीत है वो 18-0 से हुई है। मालदीव्स के खिलाफ जीत से यह स्पष्ट कर दिया है नेपाल ने कि अब हम किसी से नहीं डरने वाले। इससे पहले वाले मैच जो कि भूटान के साथ था वो 0-0 से ड्रा रहा था, जिसे मुश्किलें बड़ी थी नेपाल की। पहली ट्रॉफी जीतने के प्रबल दावेदार होते हुए भी कहीं ना कहीं मुश्किलें देख रहे थे हम, क्योंकि टीम पिछले 6 संस्करणों में से 5 में फाइनल में पहुंची है। तो आप सोच सकते हैं कि पूरी यहां पे दमखम रखती है नेपाल की टीम इस फाइनल को उठाने का। रेखा पोडेल ने 5 गोल और प्रीति राय ने हैट्रिक की मदद से नेपाल ने यहां पे काठमांडू के दशरथ स्टेडियम में पूरा माहौल अपनी तरफ रखा। सेफ महिला चैंपियनशिप के अपने दूसरे ग्रुप बी मैच में मालदीव्स को 11-0 से एक बहुत बड़ी हार दे दी। इसके ऊपर कोच तमांग ने भूटान के खिलाफ गोल रहित बराबरी पर खेलने वाली टीम का 5 बदलाव देखे। कप्तान, गोलकीपर अंजिला टुम्बापो सुब्बा और स्टार फॉरवर्ड सावित्री भंडारी को आराम दिया, जो कि सुबह फ्रांस से काठमांडू पहुंची थी। दूसरी पसंद की गोलकीपर अंजना राणा मगर, रेखा पोडेल, विमल चौधरी और निशा थोकर को मालदीव्स के खिलाफ शुरुआत मिली और उन्होंने अपना 100% किया, ऐसा कहा जा सकता है। हीरा भुजेल और दीपा साई, जिन्होंने भूटान के खिलाफ मुकाबले के दौरान चोट लगने के कारण स्ट्रेचर पर लाए जा रहे थे, अब सेफ चैंपियनशिप में बाकी मैच नहीं खेल पाएंगी। नेपाल की महिला टीम अपने सेफ इतिहास की पहली बार भूटान के खिलाफ जीत हासिल न कर पाने के कारण भारी दबाव का सामना भी कर रही थी और वो दबाव अब मालदीव्स के खिलाफ रिलीज भी हो गया, जो कि एक ये साबित करता है कि नेपाल के महिलाओं के पास जो टैलेंट है फुटबॉल के लिए वो कहीं ना कहीं पुरुषों से भी ज़्यादा है। इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।